Hi, I am Sudarshan Gupta, Government Excellence Higher Secondary School Number 1, Shivpuri. Hello, साथियों. आज हम Algebra के Simplification के लिए एक shortcut trick लेके आए हैं, जो बहुत सारे competition में use होती है. और इस trick की help से उस question को वो बड़े आसानी से कर सकती हैं. इस प्रकार के questionों में क्या दिए रहता है कि यदि a प्लस वन अपॉन a माइनस टू की वैल्यू 4 है तो हमें a माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन a माइनस टू के होल स्क्वायर की वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी. इसके लिए सिंप्लीफिकेशन के लिए शॉर्टकट ट्रिक क्या है कि यदि x प्लस वन अपॉन x यदि n है, यदि x प्लस वन अपॉन x n है तो x स्क्वायर प्लस वन अपॉन x स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 2 होगा. यदि x प्लस वन अपॉन x n है तो x स्क्वायर प्लस वन अपॉन x स्क्वायर कितना होगा, n माइनस 2. ये आपको याद रखना पड़ेगा. फिर भी ये कैसे होगा हम थोड़ा बता देते हैं कि इसका हमने बोथ साइड का यानी दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया तो क्या होगा, x प्लस वन अपॉन x का होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा हमारा n स्क्वायर. तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से हम खोलेंगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 और a और b का प्रोडक्ट करेंगे तो ये a और b, ये n स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो जो 2 को हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस वन अपॉन x स्क्वायर इक्वल n स्क्वायर माइनस 2. इस प्रकार से हमें ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. हम मान के चलते हैं कि यदि x प्लस वन अपॉन x n है तो x स्क्वायर प्लस वन अपॉन x स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 2 होगा. तो अब हम इधर देखते हैं कि पहले तो यदि ऐसा है तो इसकी वैल्यू इतनी होगी, यानी x प्लस वन अपॉन x n है तो x स्क्वायर प्लस वन अपॉन x स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 2 होगा. तो हमको ये दिया है तो ये कितना होगा, ये दिया है तो ये वाला इतना होगा. तो पहले हम इसको x प्लस वन अपॉन x टाइप का बनाएं, जैसे x प्लस वन अपॉन x, तो पहले इस क्वांटिटी को हम क्या बनाएं, x प्लस वन अपॉन x टाइप का बनाएं, मतलब जो यहाँ पर है वही यहाँ पर होना चाहिए. तो यहाँ पर a माइनस 2 है तो हम यहाँ पर a माइनस 2 बनाना पड़ेगा. तो यहाँ पर a माइनस 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड में 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इधर भी 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें इधर भी 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो ये क्या हो जाएगा, इस साइड a माइनस 2 प्लस 1 अपॉन a माइनस 2 इक्वल 4 था तो 4 माइनस 2, हमने इधर 2 सब्ट्रैक्ट किया तो इधर भी 2 सब्ट्रैक्ट हो गया. तो यहाँ पर कितना आएगा, a माइनस 2 प्लस 1 अपॉन a माइनस 2 इक्वल 2. अब ये आपका इस फॉर्म में आ गया, ये x प्लस 1 अपॉन x तो ये भी x प्लस वन अपॉन x. अब हमको इसकी वैल्यू 2 दी है, जैसे n है तो हमको 2 आ गया तो अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए. तो क्या होगा, इसका x स्क्वायर यानी ये x स्क्वायर प्लस वन अपॉन x स्क्वायर, तो इसको ये x इसका स्क्वायर और वन अपॉन a माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 2, n की जगह पे हमारा कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कितना हो जाएगा 4 माइनस 2. तो a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल 2. इस प्रकार से इसकी वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी. बड़ा सिंपल सी ट्रिक है. इस प्रकार से हम और क्वेश्चन भी कर सकते हैं.